हेलो एवरीवन, मैं गुंजन दीपा की तरफ से आज हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज। ठीक है कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है इस नीट 2024 के अंदर। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है वो हम कंपेयर करके निकालेंगे नीट 2023 से। ठीक है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इस नीट 2024 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेट हमें पता जो हमारी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ किस पे डिपेंड होती है, दैट वी नो दैट इज अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स और मेडिकल सीट, है ना। तो जिस स्टेट के अंदर ज्यादा मेडिकल सीट्स होगी तो वहां पर क्या होगी, कट ऑफ कम जाएगी, है ना। और जिस स्टेट के अंदर मेडिकल सीट्स भी ज्यादा है और बच्चे भी अगर ज्यादा होंगे तो वहां की कट ऑफ क्या जाएगी, मॉडरेट जाएगी। ठीक है, और अगर किसी स्टेट के अंदर क्या है, मेडिकल सीट ज्यादा है और बच्चों ने कम अपियर करा है तो वहां पे कट ऑफ क्या जाती है, कम जाती है, इजन्ट इट। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी। तो हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो हमें पता है एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट रहा है, ना पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है ना बहुत ज्यादा ईजी रहा है, तो पेपर तो मॉडरेट रहा है। ठीक है, तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करेगी, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग एंड द मेडिकल सीट्स। ठीक है, तो जहां पर मेडिकल सीट्स भी ज्यादा है और बच्चे कम है तो वहां पर कट ऑफ कम जाएगी, और जहां पे बच्चे भी ज्यादा है और मेडिकल सीट्स अगर कम है तो वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स की हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं, और हमें पता जो इस कट ऑफ है वो नीट 2023 से कंपेयर करके ली गई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो स्टेट आ जाता है हमारा, दैट इज असम। ठीक है, कि असम की क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है असम की नीट 2024 के लिए। ठीक है, तो जनरल स्टूडेंट के लिए क्या जाएगी, वो 5.58+ जाएगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के वो 5.58+ नंबर बन रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 560 नंबर बन रहे हैं, तो उन बच्चों का असम के अंदर क्या हो सकता है, स्टेट वाइज एडमिशन हो सकता है एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट के अंदर। ठीक है, तो असम की अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए कितना जा सकता है, 560+ आएगा। तो जिन बच्चों का 560+ बन रहा है तो वो असम के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 445 और एससी के लिए 460, एसटी के लिए 345 और ईडब्ल्यूएस के लिए 550+। ठीक है, तो ये असम के लिए हो गया। ठीक है, और हमें पता है जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करेगी, मेडिकल सीट्स पे और बच्चों पर। ठीक है, अब दूसरा स्टेट कौन सा आ जाता है, बिहार। ठीक है, तो बिहार के अंदर जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो बिहार में जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, 615। ठीक है, ओबीसी के लिए 611 और एससी के लिए 460, एसटी के लिए 265 और ईडब्ल्यूएस के लिए 611। ठीक है, तो ये कट ऑफ जाएगी बिहार के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा कौन आ जाता है, हमारा दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल स्टूडेंट्स के सब दिल्ली की जो कट ऑफ है वो क्या जाती है, हाई जाती है ना, हमें पता है दिल्ली की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। ठीक है, तो दिल्ली स्टेट वाइज कट ऑफ अगर देखे तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए उनको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, 670+ नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो 670+ नंबर अगर आएंगे तो उनका स्टेट वाइज कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए वो 630, एससी के लिए 575, एसटी के लिए 425 और ईडब्ल्यूएस के लिए 660+। ठीक है, तो दिल्ली की स्टेट वाइज कट ऑफ में आने के लिए जनरल स्टूडेंट्स को कम से कम नंबर लाने होंगे वो 670। ठीक है, और ओबीसी के लिए 630, एससी के लिए 575, एसटी के लिए 425 और ईडब्ल्यूएस के लिए 660+। ठीक है, और ये जो नंबर है वो किससे कंपेयर किया गया, नीट 2023 से कंपेयर करके निकाला गया डाटा ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा कौन आ जाता है, वो गुजरात। तो गुजरात की स्टेट वाइज कट ऑफ जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या आ जाएगी, दैट इज 610। ठीक है, तो गुजरात में स्टेट वाइज कट ऑफ जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या जाएगी, 610, ओबीसी के लिए वो 590, एससी के लिए 530, एसटी के लिए 460 और ईडब्ल्यूएस के लिए 605। ठीक है, तो ये कट ऑफ होगी इस नीट 2024 एग्जाम की स्टेट वाइज। ठीक है, तो असम की हमने देख लियो, असम के जनरल बच्चों के लिए कितनी रहेगी, 560+। ठीक है, बिहार में 615+, दिल्ली में 670+ और गुजरात में 610+। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा कौन आ जाता है, वो हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में क्या जाने वाली है, ठीक है, तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जनरल बच्चों कितने नंबर लाने होंगे, कम से कम 615। ठीक है, तो 615+ नंबर उनको प्रोवाइड करवाएगी क्या, गवर्नमेंट मेडिकल सीट बाय द स्टेट वाइज, बाय स्टेट वाइज कट ऑफ के थ्रू। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 613, ओबीसी के लिए 608 और एससी के लिए 510 और एसटी के लिए 470। ठीक है, तो ये कट ऑफ है फॉर द हरियाणा। ठीक है, आगे कौन आ जाता है, हमारा झारखंड। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में जनरल स्टूडेंट्स को कितनी कट ऑफ लानी होगी, कितने नंबर लाने होंगे, 615 नंबर लाने होंगे टू गेट द मेडिकल सीट।
ठीक है, एमबीबीएस सीट, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 596, ओबीसी के लिए 590+, एससी के लिए 455 और एसटी के लिए 324, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो नीट 2023 से कंपेयर करके निकाले गए, तो ये नंबर थोड़े बहुत ऊपर और नीचे भी जाएंगे, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली नंबर यही रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जो कट ऑफ होती है वो भी काफी ज्यादा जाती है, बिकॉज यहाँ पे अपीयरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो 630, EWS के लिए 616, OBC के लिए 620, SC के लिए 511 और ST के लिए 359, ठीक है। तो राजस्थान में जनरल स्टूडेंट्स को कितने नंबर लाने होंगे, दैट इज अ 630, ठीक है। तो 630 नंबर पे क्या होगा, उनका स्टेट वाइज कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, ठीक है। और केरला की अगर हम बात करें तो केरला में जनरल स्टूडेंट्स को कितने नंबर लाने हैं, 620+, EWS को 595, ओबीसी को 615, एससी को 460 और एसटी को 460, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टेट्स की कट ऑफ देखी है, ठीक है, कि इन स्टेट्स में क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो दिल्ली की हमने देखी, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो 670 नंबर उन बच्चों को लाने होंगे, 670 नंबर लाने होंगे ताकि स्टेट वाइज कट ऑफ में उनका नंबर आ जाए, ठीक है। और असम में 560, बिहार में 615+, गुजरात में 610, ठीक है। और इसके बाद वो हमारा हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर 615, झारखंड के अंदर भी 615, राजस्थान के अंदर भी ज्यादा कट ऑफ जाती है 630, केरला में 620, ठीक है। अब कुछ स्टेट के वो कॉलेज वाइज हम कट ऑफ देखते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमारा कौन आ गया, वो दिल्ली की हमने कट ऑफ देखी, ठीक है, कॉलेज वाइज कट ऑफ देखते हैं दिल्ली की, ठीक है। तो दिल्ली में इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए होगी, ठीक है। तो दिल्ली की अगर हम कॉलेज वाइज कट ऑफ देखें, तो अगर हमारा कौन सा कॉलेज है, दैट इज बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल वाले बच्चों को कितनी कट ऑफ, कितने नंबर लाने थे, नीट 2023 का डाटा है, तो नीट 2023 के डाटा से हम अप्रोक्सीमेटली नीट 2024 का अंदाजा लगा सकते हैं, इज इट। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में कितने नंबर लाने थे, 670 नंबर लाने थे जनरल बच्चों को, ठीक है, और एससी को वो 594 और एसटी को 576, ठीक है। तो ये कट ऑफ गई थी नीट 2023 के अंदर इन कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। और दूसरा कॉलेज अगर हम देखें तो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, तो इसके अंदर कट ऑफ कितनी गई थी जनरल के लिए 665, ठीक है, और एससी के लिए 596 और एसटी के लिए 546, ठीक है। और ये हमारा कॉलेज कौन सा आ गया, दैट इज अ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो सफदरजंग में एडमिशन लेने के लिए जनरल के लिए कितनी गई, 595, विच इज वेरी ज्यादा नंबर है ना, तो 695 गई है इस हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए सफदरजंग में, ठीक है। इसके बाद है ओबीसी के लिए 685, एससी के लिए 675 और एसटी के लिए 624, ठीक है। तो ये कॉलेज वाइज कट ऑफ हो गई, दिल्ली के कॉलेजेस की कट ऑफ है ये, ठीक है। और ये जो डाटा वो नीट 2023 का है, तो इससे हम अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि नीट 2024 के अंदर भी कुछ प्लस माइनस 10 का नंबर रहेगा, ठीक है। तो 10 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर कुछ नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। और जो पेपर हमने देखा है तो नीट 2023 के जैसे ही लेवल का रहा है, तो बस नंबर बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स के, नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स बढ़ गए, दैट्स व्हाई कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, ठीक है। तो दिल्ली के कॉलेजेस की हमने देखी, अब इसके बाद हमारे जैसे और कौन से कॉलेज आ जाते हैं, बिहार के कॉलेजेस की अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें कौन आ गया हमारा, जैसे अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, ठीक है, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो जनरल के लिए वो कितनी गई है, 680, ठीक है, एससी के लिए 528 और एसटी के लिए 501, ठीक है। तो बिहार का कॉलेज है कौन सा, मगध मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आ गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसमें कितनी चाहिए, 626 गई थी, 524 एससी के लिए और एसटी के लिए 504, ठीक है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहार का ही है ये, ठीक है। तो नीट 2023 में स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी गई थी इस कॉलेज के अंदर, 670, एससी के लिए 522 और एसटी के लिए 500, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पटना के अंदर ये, तो जनरल की कितनी थी, 639, एससी के लिए 553 और एसटी के लिए 520, ठीक है। तो जो भी बच्चे बिहार से हैं तो वो देख सकते हैं, तो इन कॉलेजेस में ये कॉलेज वाइज ये कट ऑफ जा रही है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जनरल की कितनी गई, वो 620, एससी के लिए 522 और एसटी के लिए 516, ठीक है। नालंदा मेडिकल कॉलेज जनरल के लिए 631 और एससी के लिए वो 536 और एसटी के लिए 520, ठीक है। और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंदर, तो जनरल के लिए 620, एससी के लिए 525 और एसटी के लिए 516, ठीक है। तो ये हमने कुछ
स्टेट के कॉलेज वाइज कट ऑफ को डिस्कस करा, दिल्ली के और बिहार के। ठीक है, जैसे अभी एक स्टेट का और लेते हैं, जैसे हमने ले लो चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ में कॉलेज है कौन सा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर जनरल बच्चों के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, 680, एससी के लिए 608 और एसटी के लिए 612। ठीक है, तो चंडीगढ़ में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो गवर्नमेंट जनरल बच्चों को कितनी कट ऑफ लानी है, कितने नंबर लाने, 680 प्लस। ठीक है, 2023 के अंदर, और अभी भी नंबर कुछ ज्यादा ही होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, या फिर यही जा सकते हैं, और एससी के लिए 608 और एसटी के लिए 612। ठीक है, इसके बाद हम गुजरात का देखते हैं। ठीक है, तो गुजरात के इन कॉलेजेस में क्या क्या कट ऑफ गई है, डीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के अंदर, तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 675, एससी के लिए 615 और एसटी के लिए 551। ठीक है, मेडिकल कॉलेज जनरल के लिए 630, एससी के लिए 540 और एसटी के लिए 524। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सूरत के अंदर गुजरात की है, तो वहां पर जनरल बच्चों के लिए कट ऑफ गई है 642, एससी के लिए 545 और एसटी के लिए 535। ठीक है, इसके बाद एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जनरल के लिए 632, एससी के लिए 537 और एसटी के लिए 518। ठीक है, मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में जनरल स्टूडेंट के लिए 645, एससी के लिए 573 और एसटी के लिए 531। ठीक है, डीडीयू मेडिकल कॉलेज राजकोट के अंदर जनरल स्टूडेंट्स के लिए 642, एससी के लिए 543 और एसटी के लिए 526 गई है कट ऑफ ये, जान ना ये। ठीक है, तो ये इन हमने इन स्टेट्स के कॉलेज वाइज कट ऑफ हमने देख ली है। ठीक है, तो ये डाटा ये सारा के साथ नीट 2023 से कंपेयर करके ही निकाला गया है ना, कि और क्या दिख रहा है कि थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ रही है बिकॉज नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतने नंबर में हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो जिन बच्चों के भी नंबर हमें पता है जो सेफ स्कोर है ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग, तो जिन बच्चों के 620 प्लस और 630 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो उनको तो जरूर इस साल ऑल इंडिया कोटा से ही मेडिकल सीट मिल जाएगी, और जिन बच्चों के इससे थोड़े कम आ रहे हैं तो उनके स्टेट वाइज कट ऑफ में एडमिशन हो सकता है। तो जिन बच्चों के 620 प्लस नंबर आ रहे हैं, 610 नंबर आ रहे हैं, तो उनका स्टेट वाइज एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक कट ऑफ रह सकती है, ये रॉ कट ऑफ रह सकती है नीट 2024 एग्जाम के लिए। होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल।